नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। आप सबको सबसे पहले होली की बहुत बहुत बधाई। रंगों का पर्व होली आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर तरफ रंगों से चेहरे रंगे नजर आ रहे थे। लोगों ने आज जमकर इस पर्व का लुत्फ उठाया। कहीं डीजे पर लोग नाच रहे थे तो कहीं ढोलक पर। लोगों ने परिवार सहित पर्व का आनंद लिया और एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी। पुलिस की चकाचौबंद व्यवस्था के चलते लोगों ने बिना किसी परेशानी के पर्व का आनंद लिया। शहर में जगह जगह पुलिस के द्वारा की गई व्यवस्था सराहनीय रही। धार्मिक स्थलों पर भी होली का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। कहीं पुष्पों से तो कहीं रंगों से होली खेली गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नहर में दीप प्रवाहित करने गए दो भाई पानी के साथ ही बह गए। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हनुमानगढ़ टाउन निवासी सिंधी परिवार के तीन भाइयों की मां का निधन कुछ दिन पूर्व ही हुआ था। वह आज प्रातः 3 बजे दीप प्रवाहित करने सादुल ब्रांच नहर पर गए थे। यहां दीप प्रवाहित करने के दौरान एक युवक का पांव फिसल गया, जिससे कि वह पानी के साथ बहने लगा। अपने भाई को पानी में बहता देख दूसरे भाई ने निकालने का प्रयास किया तो वह भी पानी के साथ ही बह गया। दोनों भाइयों को पानी में बहता देख नहर किनारे खड़े थे तीसरे भाई ने भी नहर में छलांग लगा दी, लेकिन वह केली में अटक गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने केली में अटके एक युवक को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन दोनों भाइयों की तलाश गोताखोरों द्वारा की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक नहर में गिरे दोनों युवकों का पता नहीं चल पाया था। एक अन्य मामले में जंक्शन पुलिस को चकमा देकर चोरी का आरोपी थाने से फरार हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि चोरी का आरोपी सरेश सिया मोहल्ले निवासी अमन को पुलिस ने कल जलालाबाद से पकड़ कर लाई थी, लेकिन रात को ही वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मध्य प्रदेश के राज परिवार से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ से नाराज चल रहे सिंधिया ने आज मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सिंधिया ने खुद ट्वीट कर अपने इस्तीफा की जानकारी दी है। सिंधिया ने इस फैसले को कांग्रेस ने गद्दारी बताया है और कहा है कि अब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बच पाएगी। इस्तीफा देने से पहले सिंधिया दिल्ली में सुबह अपने आवास से निकलकर सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे और इसके बाद शाह के साथ ही वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुँच गए। सिंधिया के पाले में आते ही बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सिंधिया के इस्तीफे के बाद राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार संकट सताने लगा है, क्योंकि यह भी उनका उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से 36 का आंकड़ा है। हनुमानगढ़ की टीबी पुलिस को आज उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब वो एनडीपीएस एक्ट के आरोपी 3 KSP निवासी वीरेन को पकड़ने गई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि वीरेन के घर वालों ने पुलिस से धक्का मुक्की कर और आरोपी को भगा दिया। इस प्रकार से पुलिस को बंधक बना लिया। पुलिस ने आरोपी के पिता चेतराम और माता विद्या देवी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हनुमानगढ़ में जुआ के खिलाफ सदर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 लाख रुपए की नकदी सहित 8 जुआरियों को काबू किया है। गांव धोलीपाल में देर रात यह कार्रवाई की गई। वार्ड नंबर 2 में गली में जुआ खेल रहे दलजीत सिंह, अभिषेक जाट, गजानंद शर्मा, मदन लाल जाट, बलदेव जाट, खलील खान, मदन नायक और कालू सिंह राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुआरियों के कब्जे से 92,000 रुपए की जुआ रकम जब्त की गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।